हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम रीडिंग करेंगे एक पैराग्राफ की, जिसका टाइटल है साइबर बुलिंग। तो साइबर का मतलब होता है ऑनलाइन चीजों से रिलेटेड, और बुलिंग हो गया धमकाना। तो साइबर मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो धमकाया जाता है लोगों को। तो ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल करंट टॉपिक है और इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। तो ये इंग्लिश रीडिंग का वीडियो तो है, क्योंकि हम इसमें एक एक शब्द को रीड करेंगे, साथ में ट्रांसलेशन भी है, क्योंकि सभी वर्ड्स के मीनिंग आपको बताए जाएंगे और जो आपके नए वर्ड्स होंगे उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उच्चारण कैसे होता है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा और वोकैबुलरी भी काफी अच्छी यूज की गई है इसमें। तो आज का वीडियो आइए शुरू करते हैं। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इस पे हम जोर देंगे टेक्नोलॉजी। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी टूडेज वर्ल्ड हैज बिकम मोर इंटरकनेक्टेड। अब ये कॉमा है, थोड़ा पॉज दीजिए। बट इट हैज ऑल्सो गिवन राइज टू न्यू चैलेंजेस एंड इश्यूज। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जैसे कि आजकल के जो तकनीकी उपकरण है या तकनीकीकरण ज्यादा से ज्यादा हो गया है, कितनी सारी चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गई हैं हमारे सामने। तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी मतलब कि टेक्नोलॉजी की बदौलत, तकनीकीकरण की बदौलत टूडेज वर्ल्ड हैज बिकम, टूडेज आज की वर्ल्ड दुनिया, ये अपोस्ट्रोफी लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि का के की। तो यहाँ पे है आज की दुनिया हैज बिकम, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है तो ये है टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बन गया है या आज की दुनिया बन गई है मोर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड मीन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई, मतलब कि दुनिया जो है, अगर आप यहाँ बैठे हो इंडिया, इंडिया में, तो आप दूसरे वर्ल्ड से भी जुड़े हुए हो टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। बट इट हैज ऑल्सो गिवन राइज टू न्यू चैलेंजेस, लेकिन राइज का मतलब है जन्म दिया है टू न्यू चैलेंजेस, नई नई चुनौतियों को एंड इश्यूज, समस्याओं को। तो आज की जो दुनिया है वो एक दूसरे से ज्यादा जुड़ गई है तकनीकीकरण की बदौलत, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बदौलत, लेकिन इसने जन्म दिया है नई नई चुनौतियों को और समस्याओं को। तो वो तो आप जानते हैं कि सभी कोई जो नई जो भी इन्वेंशन डिस्कवरी वगैरह होती है उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होते हैं, तो उस तरीके से टेक्नोलॉजी के भी प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है, डिसएडवांटेजेस भी हैं तो एडवांटेजेस भी हैं। नो डाउट टेक्नोलॉजी हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, नो डाउट मीन्स इसमें कोई शक नहीं है, टेक्नोलॉजी हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे, अ लॉट ऑफ बहुत सारे फायदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं। हाउएवर फिर भी इट ऑल्सो कम्स विद अ नेगेटिव साइड, आती है एक नकारात्मक पहलू लेकर भी, इट ऑल्सो कम्स विद अ नेगेटिव साइड, तो ये नकारात्मक पहलू भी इसके साथ जुड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी के साथ। तो बेनिफिट्स तो है, फायदे तो है, नुकसान भी बहुत है। इट हैज गिवन बर्थ टू साइबर बुलिंग, क्योंकि इसने जन्म दिया है, हैज गिवन, देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जन्म दिया है टू साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो धमकाया जाता है, लोगों को तंग किया जाता है, उसको भी इसने जन्म दिया है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम साधारण से शब्दों में कहें तो साइबर बुलिंग refers to the misuse of technology with the intention to harass others, इसको harass पढ़ते हैं। तो अगर साधारण से शब्द में कहा जाए तो जो online bullying है, cyber bullying जो है, refers to the misuse of technology, तो ये दर्शाता है misuse, गलत इस्तेमाल technology का। तो जो हम टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं उसी को कहते हैं साइबर बुलिंग, विद द इंटेंशन टू हरास अदर्स, और हमारा इसमें इंटेंशन या इरादा क्या होता है, लोगों को हरास करना, सताना। साइबर बुलिंग क्या दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोगों को तंग करना और सताना, और
ये देखिए, जो जो भी ये सताना होता है किस किस फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि लोगों को परेशान करना, बार बार उनको मैसेजेस भेजना, उसमें धमकी भरी बातें लिखना, ठीक है, और लगातार मैसेज भेज के तंग करना, या फोन करके तंग करना, ईमेल भेज के कुछ उल्टा सीधा लिखना, तो ये सारा का सारा हो गया कि मतलब वो लोग धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, तंग कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये सब होता है साइबर बुलिंग कहते हैं इसको। सब्सिक्वेंटली इसके बाद साइबर बुलिंग कम्स इन वेरियस फॉर्म्स, तो जो साइबर बुलिंग होती है कम्स इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है ये। इट डजंट necessarily mean hacking someone's profile or posing to be someone else. So doesn't means नहीं, necessarily मतलब जरूरी नहीं है, doesn't necessarily mean, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है hacking someone's profile, कि cyber bullying का मतलब है कि किसी का profile किसी ने hack कर दिया है, ठीक है, और पोजिंग टू बी समवन एल्स, पोज करना, दिखावा करना, टू बी समवन एल्स, कोई और बनके, जैसे ये तो आपको पता ही है कि अलग अलग आईडी से अकाउंट खोल देते हैं, तो हमको पता भी नहीं लगता कि जो हम जिससे बात कर रहे हैं ऑनलाइन, अगर किससे बात कर रहे हैं कि अगर जैसे लेडीज हैं, अगर विमेन है तो विमेन से ही बात कर रही हैं, कि वो किसी ने फेक आईडी खोल के कोई आदमी बात कर रहा है, मतलब कई तरीके हैं जिसमें कि वो पोज करते हैं कि वो कोई और बनकर दिखावा करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इट डजंट नेसेसरली मीन हैकिंग समवन्स प्रोफाइल और पोजिंग टू बी समवन एल्स। अब जैसे साइबर बुलिंग का नाम लो तो पहले मन में आता है कि इसका मतलब होगा कि किसी का अकाउंट या किसी की प्रोफाइल को हैक कर दिया है, उसमें एक्सेस आपने पा लिया है, या तो आप पोज कर रहे हो कि आप कोई और हो। तो सिर्फ इतना नहीं, अभी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया है ये। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पोस्टिंग नेगेटिव कॉमेंट्स अबाउट समबडी, तो ये और भी इसमें चीजें शामिल है, जैसे कि पोस्ट करना नेगेटिव कॉमेंट्स, बुरे विचार, बुरे संदेश, बुरी टिप्पणियां अबाउट समबडी, किसी के बारे में, और स्प्रेडिंग रूमर्स, रूमर्स मतलब अफवाहें फैलाना, अफवाहें फैलाना, टू डिफेम समवन, डिफेम मीन्स बदनाम, फेम यश, और डिफेम हो गया उसको बदनाम करना किसी को। तो अलोंग विद दिस, मतलब कि हैक करना किसी का प्रोफाइल, या बताना कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, पहचान को छुपाना और बताना कि वो कोई और है, इसके अलावा भी और चीजें भी आ गई हैं, जैसे कि किसी को बुरे संदेश भेजना, बुरी टिप्पणियां लिखना, अगर उन्होंने कोई फोटो पोस्ट करी है या कोई भी लाइन लिख के ट्विटर पे ही डाल दिया है, तो उसको ट्रोल करने लग जाना, उसके रिस्पांस में धमकी भरी बातें लिखना या अपशब्द लिखना, ठीक है, तो नेगेटिव कमेंट्स अबाउट समबडी, या तो फिर स्प्रेडिंग रूमर्स, ये भी एक है कि स्प्रेड करना, फैलाना, अफवाहें फैलाना, झूठी खबरें फैलाना किसी को बदनाम करने के लिए, तो ये भी साइबर बुलिंग में ही आता है। विथ everyone engrossed in social networks, it becomes easy for individuals to misuse this access. With everyone engrossed in social networks, engrossed का मतलब है डूबे रहना किसी चीज में, मग्न हो जाना, ठीक है, तो अब आपको पता ही है कि इतना important हो गया है आजकल हमको technology से connect रहना, कि हम connect रह सके, तो अब सभी लोग एनग्रॉस्ड रहते हैं, डूबे रहते हैं सोशल नेटवर्क्स में। कौन कौन से हो गए ज्यादातर नेटवर्क्स, व्हाट्सएप हो गया, फिर फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो लोग आजकल डूबे हुए हैं सोशल नेटवर्क्स पर। तो क्या हो जाता है फिर, इट बिकम्स इजी फॉर इंडिविजुअल्स, तो लोगों के लिए इजी बन जाता है, आसान बन जाता है, टू मिसयूज दिस एक्सेस। मिसयूज, यूज का ऑपोजिट वर्ड है, दुरुपयोग, यूज उपयोग, और मिसयूज हो गया दुरुपयोग, दुरुपयोग करना इस पहुंच को, मतलब कि सोशल नेटवर्क पे अगर कोई है तो इसका दुरुपयोग करना लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि सभी लोग आजकल डूबे रहते हैं सोशल मीडिया पर, सोशल नेटवर्क्स पर। इन अदर वर्ड्स, साइबर बुलिंग हैज बिकम वेरी कॉमन नाउअडेज, नाउअडेज आजकल कॉमन, साधारण, सामान्य, हैज बिकम, अगेन देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो साइबर बुलिंग जो है वो बन गया है बहुत ही साधारण सी बात आजकल। इट इंक्लूड्स एक्शंस टू मैनिपुलेट, हरास एंड डिफेम एनी पर्सन। तो इट इंक्लूड साइबर बुलिंग के लिए इट प्रोनाउन यूज हुआ है कि इसमें शामिल है, इंक्लूड शामिल है एक्शंस की जो भी हम काम करते हैं या जो लोग ये साइबर बुलिंग कर रहे हैं वो लोग जो काम करते हैं मैनिपुलेट हेर फेर करने के लिए, हरास सताने के लिए एंड डिफेम बदनाम करने के लिए किसी भी आदमी को या इंसान को। तो इन अदर वर्ड्स साइबर बुलिंग हैज बिकम वेरी कॉमन नाउअडेज। आजकल साइबर बुलिंग बहुत ही सामान्य साधारण सी बात बन गई है। इट इंक्लूड्स एक्शंस टू मैनिपुलेट, हरास एंड डिफेम एनी पर्सन। तो इसमें शामिल है, साइबर बुलिंग में शामिल है ऐसे काम जिससे कि लोगों से हेर फेर किया जाए, लोगों को सताया जाए या किसी को बदनाम किया जाए। दीज हॉस्टाइल एक्शंस, तो हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु भरे, शत्रुता भरे या विरोधी। तो इस टाइप के जो विरोधी एक्शंस है, कार्यवाही है जो हमने अभी बात करी थी कि जैसे कि सताना, हेर फेर करना, बदनाम करना, तो ये दुश्मनी भरे जो कार्यक्रम है या काम है आर सीरियसली डैमेजिंग। सीरियसली मीन्स गंभीरता से या गंभीरता से भरे हुए और हानिकारक इफेक्ट होते हैं इसके। तो ये जो सारे के सारे काम है ये सारे के सारे बड़े ही गंभीर रूप से हानि पहुंचा सकते हैं लोगों को एंड कैन अफेक्ट एनी वन ईजिली एंड ग्रेवली। ईजिली आसानी से और ग्रेवली हो गया गंभीरता से। इस और ये प्रभाव डाल सकते हैं किसी पर भी बड़ी ही आसानी से और बड़ी गंभीरता से। दे टेक प्लेस ऑन सोशल मीडिया, पब्लिक फोरम्स एंड अदर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स। अब जो साइबर बुलिंग की बात हो रही है ना, पूरे पैराग्राफ में साइबर बुलिंग जो है वो होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या पब्लिक फोरम, सार्वजनिक मंचों पर एंड अदर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स। और भी जो कोई ऑनलाइन जानकारी भरी वेबसाइट्स होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन अगर ढूंढे, जानकारी ढूंढे तो हमको टाइप करके वाली वेबसाइट खोलनी पड़ती है, तो हो सकता है वहां पर भी साइबर बुलिंग हो। तो दे टेक प्लेस, दे मतलब साइबर बुलिंग जो है वो होती है सोशल मीडिया पर, पब्लिक फोरम पर और बाकी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स हैं उन पर भी हो सकती है। अ साइबर बुली इज नॉट नेसेसरली अ स्ट्रेंजर। अब जरूरी नहीं है कि जो बुली कर रहा है, जो ये धमका रहा है हमको, इज नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि वह एक स्ट्रेंजर हो, एक अजनबी हो। इट मे ऑल्सो बी समवन यू नो। हो सकता है कि वो कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप जानते हो, यू नो, आप जानते हो जिसे। साइबर बुलिंग कैन बी डेंजरस। तो अब हम नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि जो है ये खतरनाक या हानिकारक साबित हो सकती है, तो क्या क्या जो हानियां हैं इसकी, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। साइबर बुलिंग जो है, ऑनलाइन जो धमकाया जा रहा है, वो हानिकारक भी हो सकती है। इट इज अ मल्टी फेस्ड इशू। अब मल्टी का मतलब होता है कई रूपों वाला और फेस हो गया रूप, तो कई रूपों वाली समस्या है ये। साइबर बुलिंग इज अ मल्टी फेस्ड इशू, तो ये कई रूपों वाली समस्या है। हाउएवर द इंटेंशन ऑफ दिस एक्टिविटी इज वन एंड द सेम। हालांकि इंटेंशन मीन्स इरादा इस एक्टिविटी, इस काम के, इज वन एंड द सेम, ये एक ही बात है। हालांकि जो इसका इरादा है, साइबर बुलिंग करने का जो इरादा है, तो वो एक ही बात है। अब किस टाइप की बात है? टू हर्ट पीपल एंड ब्रिंग देम हार्म। लोगों को चोट पहुंचाई जाए, हर्ट पीपल, चोट पहुंचाई जाए एंड ब्रिंग देम हार्म, और उनको नुकसान पहुंचाया जाए ताकि उनका कोई नुकसान हो। साइबर बुलिंग इज नॉट अ लाइट मैटर। लाइट हल्का, मैटर मामला। तो साइबर बुलिंग जो है वो एक हल्का मामला तो नहीं है। इट नीड्स टू बी टेकन सीरियसली। नीड्स टू बी टेकन सीरियसली, इसको लेना चाहिए गंभीरता से, सीरियसली गंभीरता से लेना चाहिए। एज इट डज हैव अ लॉट ऑफ डेंजरस इफेक्ट्स ऑन द विक्टिम,
क्योंकि हाँ इसके हैं कई अलॉट ऑफ कई डेंजरस हानिकारक इफेक्ट नतीजे ऑन द विक्टिम, जो विक्टिम पीड़ित है जिसके ऊपर साइबर बुलिंग हो रही है। तो इसको हमको गंभीरता से लेना है साइबर बुलिंग को, क्योंकि इसके जो बहुत सारे हानिकारक परिणाम या नतीजे हो सकते हैं पीड़ित व्यक्ति पर। मोर ओवर इट डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, इसके अलावा इट डिस्टर्ब्स परेशान करता है द पीस ऑफ माइंड, मन की शांति को एक इंसान के। तो वो तो अगर हम तो साधारण से लोग हैं, अगर हमको कोई भी नेगेटिव कमेंट एक कोई एक दिन में बोल दे, या हमको चाहे व्हाट्सएप में मिल जाए किसी भी चीज में नेगेटिव कमेंट मिल जाए, तो हमारा तो मूड खराब हो ही जाता है। तो लेकिन अगर कोई लगातार हमको सता रहा है और ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिसमें सब लोग भी हमको देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, दूसरे लोग भी ये वाले कमेंट्स वगैरह, तो वो कितना मुश्किल होगा उस इंसान के लिए। तो इसलिए क्या है, मोर ओवर इसके अलावा ये परेशान करता है हमारी मन की शांति को, किसी भी इंसान की मन की शांति को भंग कर सकता है ये साइबर बुलिंग। मैनी पीपल आर नोन टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन आफ्टर दे आर साइबर बुलीड। अब आज एज ग्रुप देख लीजिए बच्चों का, कौन सी उम्र से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने अकाउंट खोल के यहाँ बैठे रहते हैं, एक्सेस होता है उनके पास। तो क्या होता है, जो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं, चाहे बड़े हो युवा हो, कोई तो होते हैं, सभी की अलग अलग नेचर होती है। तो मैनी पीपल, कई लोग तो क्या होते हैं, आर नोन टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन आफ्टर दे आर साइबर बुलीड। एक बार जब वो साइबर बुलीड या सताए जा चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो ये भी देखा गया है कि वो अनुभव करते हैं एक निराशा या उदासी जब वो साइबर बुलीड हो जाते हैं। और डिप्रेशन का मतलब आपको पता है कि निराश हो जाना, उदास हो जाना, और जिसके लिए फिर डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। इन एडिशन दे इंडल्ज इन सेल्फ हार्म। और इसके अलावा एक और चीज जो देखी गई है कि वो लोग जो साइबर बुलीड हो जाते हैं, सताए जाते हैं इस तरीके से, दे इंडल्ज इन सेल्फ हार्म, वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। ऑल द डेरोगेटरी कॉमेंट्स, डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक, तो ये अच्छा वर्ड है, आप याद कर सकते हैं। ऑल द डेरोगेटरी कॉमेंट्स मेड अबाउट देम मेक्स देम फील इन्फीरियर, और इन्फीरियर मीन्स हीन या नीचा। तो जो भी अपमानजनक कॉमेंट्स होते हैं उनके बारे में बोले जाते हैं, तो इससे उनको लगता है कि वो दूसरों से कम है, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं वो लोग, और इसलिए हो सकता है कि वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकें या डिप्रेशन में चले जाएं। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सेस। इनसिक्योरिटीज मीन्स असुरक्षा वाली भावना, और कॉम्प्लेक्स भी हो गया, जैसे कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक दशा होती है जिससे कि इंसान चिंतित होता है। तो यहाँ पे तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं कि लोगों को वो अपने आप को दूसरों से कम समझना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको हमने खराब रिमार्क्स या किसी ने उसको खराब कमेंट्स दिए। तो इसका नतीजा और क्या हो सकता है कि वो असुरक्षित भावना बढ़ जाए लोगों में और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए उसमें, वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित पाए। तो ये भी एक परिणाम होता है साइबर बुलिंग का। द विक्टिम विच सफर साइबर बुलिंग इन द फॉर्म ऑफ हरासिंग स्टार्ट्स हैविंग सेल्फ डाउट। अब जो भी विक्टिम होता है, तो जो भी पीड़ित होता है साइबर बुलिंग से, सफर्स साइबर बुलिंग इन द फॉर्म ऑफ हरासिंग स्टार्ट्स हैविंग सेल्फ डाउट, तो वो शुरू कर देता है अपने ऊपर शक करना, ही ऊपर शक करना शुरू कर देता है अपनी काबिलियत के ऊपर, क्योंकि उसको बुरा भला कहा जा रहा है। तो जो विक्टिम होता है विच सफर्स फ्रॉम साइबर बुलिंग, जो कि साइबर बुलिंग से पीड़ित है, इन द फॉर्म ऑफ हरासिंग, जिसको सताया जा रहा है वो भी लंबे समय से, स्टार्ट्स हैविंग सेल्फ डाउट, वो शुरू कर देता है अपनी ही काबिलियत पर शक करना। व्हेन समवन पॉइंट्स एट योर इनसिक्योरिटीज दे ओनली टेंड टू एनहेंस, और ये हो गया इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटीज मीन्स असुरक्षाएं, और एनहेंस बढ़ जाना, पॉइंट्स एट इशारा करता है या पॉइंट आउट करता है, बताता है। तो when someone points at your insecurities, जब कोई आपकी असुरक्षाओं की तरफ
इशारा करता है दे ओनली टेंड टू एनहेंस, वो तब सिर्फ और भी बढ़ जाती हैं। जैसे कि अगर कोई प्लम्प है, ठीक है, कोई अगर मोटा है, उसको बार बार बोला जाए कि तुम तो ज्यादा वेट के हो और तुम ऐसे हो वैसे हो, तो क्या हो जाएगा, वो और बढ़ जाएगी उसकी जो असुरक्षाएं हैं, उसको खुद भी पता है कि उसका वजन ज्यादा है। तो ये सिर्फ तो एक तरीका मैं बता रही हूँ, जैसे हो सकता है कोई रंग को लेकर करे, कोई हाइट को लेकर करे, और भी कितने ही चीजें हैं ये पॉइंट आउट करने की। तो अगर कोई किसी की जो भी कमी है उसमें, तो हमारी कमियों को अगर कोई सब लोगों के सामने बता देता है, तो वो क्या होता है, हमारे जो माइंड पर ज्यादा गहरा प्रभाव डालती है और हमारी जो इनसिक्योरिटीज है, जो हमारी असुरक्षाओं से भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो हमारी और भी बढ़ जाती हैं, हमको बहुत बुरा लगता है। सिमिलरली द विक्टिम्स वरी एंड लूज देयर इनर पीस। तो अगर आप इस समय एक खुद विक्टिम के नजरिए से सोचेंगे, अगर आपको किया जाए साइबर बुलिंग, तो आपको समझ आ जाएगा। तो वही इस लाइन में कहा गया है, सिमिलरली इसी तरह से द विक्टिम्स जो पीड़ित होते हैं वरी एंड लूज देयर इनर पीस, वरी चिंतित चिंताग्रस्त हो जाते हैं और लूज खो देते हैं देयर इनर पीस, मन की शांति को। इसी तरह से जो पीड़ित होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं और अपने मन की शांति को खो बैठते हैं। पर हमने एक पहलू पढ़ा, अब दूसरा देखिए। अदर देन दैट, इसके अलावा, साइबर बुलिंग ऑल्सो टार्निशेस द इमेज ऑफ अ पर्सन। टार्निश मीन्स दाग धब्बा लगा देती है, खराब कर देती है इमेज, छवि, और पर्सन व्यक्ति। तो इसके अलावा जो साइबर बुलिंग है वो एक व्यक्ति की छवि को भी खराब कर देती है दूसरों के सामने, क्योंकि दूसरे लोगों को क्या पता जो लिखा जा रहा है वो गलत लिखा जा रहा है कि सही लिखा जा रहा है। तो इसलिए उसकी जो छवि होती है दूसरे लोगों के सामने खराब हो सकती है। इट हैम्पर्स देयर रेपुटेशन विद द फॉल्स रूमर्स स्प्रेड अबाउट देम। हैम्पर्स मीन्स ठेस पहुंचाती है, रेपुटेशन प्रतिष्ठा को, फॉल्स रूमर्स, रूमर्स आपको बताया था अफवाह, झूठी बातें, झूठी खबरें, फॉल्स हो गया झूठी, स्प्रेड फैलाया, अबाउट देम उनके बारे में, तो यह ठेस पहुंचाती है उनकी प्रतिष्ठा को, क्योंकि जो भी उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनकी वजह से जो उनकी प्रतिष्ठा है उस पर ठेस लगती है, ठेस पहुंचती है उसको। एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। अब जैसे जंगल की आग होती है, वाइल्ड फायर जंगल की आग, तो वो बहुत जल्दी पूरे जंगल में फैल जाती है। उसी से कंपेयर किया गया है कि सभी चीजें जो सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, स्प्रेड्स, वो फैल जाती हैं जंगल की आग की तरह। मोर ओवर पीपल ऑफन क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी। तो इसके अलावा अक्सर सवाल उठाते हैं लोग उसकी जो भी न्यूज है उसकी विश्वसनीयता पर, कि इस पर विश्वास किया जाए नहीं किया जाए। दस वन फॉल्स रूमर डिस पीपल्स लाइफ। इसलिए बस एक झूठी अफवाह जो है वो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, यहां डिस्ट्रॉयज है तो बर्बाद कर देती है। तो हमको इससे डरना नहीं है, क्योंकि अभी इसके प्रिवेंशन जो है, बचाव है, वो भी हम यहां जानेंगे। तो चलिए जानते हैं साइबर बुलिंग प्रिवेंशन। तो जो भी इसकी रोकथाम है या बचाव है, इज द नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आर का मतलब होता है समय की मांग है। इट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एंड पुट एन एंड टू। नीड्स टू बी मॉनिटर्ड, मॉनिटर मतलब किसी चीज पर नजर रखना, और तो ये भी साइबर बुलिंग जो है इस पर नजर रखनी होगी और पुट एन एंड टू, इसका खात्मा करना होगा। तो इसको खत्म करने के लिए इस पर नजर रखना बहुत जरूरी हो गया है और ये समय की मांग भी है। देयर आर वेरियस वेज टू टैकल साइबर बुलिंग। टैकल मीन्स निपटना किसी चीज से, वेरियस कई और वेज हो गया तरीके। तो हाँ, कई तरीके हैं साइबर बुलिंग से निपटने के लिए। वी कैन इम्प्लीमेंट देम एट इंडिविजुअल लेवल्स एज वेल एज अथॉरिटेटिव लेवल्स। अथॉरिटेटिव लेवल्स, इंडिविजुअल लेवल्स, और ये इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, इंडिविजुअल लेवल छोटे स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, और अथॉरिटेटिव लेवल हो गया और बड़ी अथॉरिटी को उसके बारे में जानकारी देना या अवगत कराना। तो आधिकारिक स्तर हो गया और एक हो गया व्यक्तिगत स्तर। तो हाँ, वी कैन इम्प्लीमेंट देम एट इंडिविजुअल लेवल्स एज वेल एज
अथॉरिटेटिव लेवल्स, हम इनको लागू कर सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर और साथ साथ आधिकारिक स्तर पर. फर्स्टली, चिल्ड्रन शुड नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. तो पहला जो कदम है वो ये है कि बच्चे भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, तो चिल्ड्रन, बच्चों को शुड नेवर शेयर, कभी भी साझा नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, व्यक्तिगत जानकारी, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर. तो ये बहुत जरूरी है, जो बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है कि ये सेफ नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी देना. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जैसे कि इफ यू लिस्ट योर होम एड्रेस और फोन नंबर देयर, इट विल मेक यू अ पोटेंशियल टारगेट ऑफ साइबर बुलिंग इजिली. तो देखिए, जैसे कि इफ यू लिस्ट योर होम एड्रेस और फोन नंबर देयर, अगर आप लिखते हैं या बताते हैं अपने घर का पता या फोन नंबर वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इट विल मेक यू अ पोटेंशियल टारगेट ऑफ साइबर बुलिंग इजिली. तो ये आपको बना देगा टारगेट, लक्ष्य, और पोटेंशियल मतलब संभावित, हो सकता है कि आपको एक लक्ष्य, संभावित टारगेट बना दे वो आसानी से साइबर बुलिंग का, मतलब कि आप लोगों को टारगेट किया जा सकता है जो लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल जानकारी सोशल मीडिया में दे चुके हैं, जैसे कि घर का पता बता दिया, फोन नंबर बता दिया, तो आप जो भी साइबर बुलीज हैं वो आसानी से आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप टारगेट बन सकते हैं उनका. सेकेंडली, इसलिए कभी भी सबसे पहले अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी कभी भी ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए. सेकेंडली, अवॉइड पोस्टिंग एक्सप्लिसिट फोटोज ऑफ योरसेल्फ ऑनलाइन. तो अब एक्सप्लिसिट यहाँ पे वो वर्ड है कि जो फोटो दूसरों को दिखाई नहीं जानी चाहिए, जो सेंसर्ड फोटो होती है, ठीक है, वो उस टाइप की फोटोज कभी भी अपनी ऑनलाइन मत डालिए, क्योंकि उससे बहुत संभावना बढ़ सकती है आप साइबर बुली हो सकते हैं. तो इस तरीके की फोटो जो आपको लगता है कि सेंसर्ड है, नहीं, पूरी दुनिया के सामने नहीं रख देनी चाहिए, पोस्ट नहीं करनी चाहिए, उस टाइप की फोटोज कभी भी अपनी ऑनलाइन नहीं डालनी चाहिए. ये खासकर बच्चों के लिए है. ऑल्सो नेवर डिस्कस पर्सनल मैटर्स ऑन सोशल मीडिया. और नेवर डिस्कस, चर्चा मत कीजिए पर्सनल मैटर्स, निजी मामले की, ऑन सोशल मीडिया. जो आपका निजी मामला है तो उसको अपने घर वालों के साथ, टीचर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवारजनों के साथ, इनके साथ तो शेयर कर सकते हो, लेकिन सबके साथ, वो भी ओपन प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कभी भी निजी मामलों को की चर्चा नहीं करनी चाहिए. इन अदर वर्ड्स, कीप द इंफॉर्मेशन लिमिटेड विद इन योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली. ये बहुत अच्छा कहा गया है कि इससे अच्छा है कि आप अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ वो वाली जो जानकारी है उसको सीमित रखें. इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें, कीप द इंफॉर्मेशन लिमिटेड, तो अपनी जानकारी को सीमित रखें विद इन योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के ग्रुप के साथ, और फैमिली मेंबर्स, परिवारजनों के साथ. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे आवश्यक क्या है, सबसे जरूरी क्या है, नेवर एवर शेयर योर इंटरनेट पासवर्ड एंड अकाउंट डिटेल्स विद एनीवन. अब ये तो है, ये तो बड़े लोग भी इसका शिकार कई बार हो चुके हैं कि इंटरनेट पासवर्ड बता देते हैं कई बार और अकाउंट डिटेल्स बता देते हैं. तो ये बार बार बताया जाता है, मैसेजेस भी आते हैं हमको, कि कभी भी अपना जो इंटरनेट पासवर्ड है और अकाउंट, खाते का जो विवरण है, खाते की डिटेल्स है, वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए ऑनलाइन. कीप ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू योरसेल्फ अलोन. ये सारी की सारी जानकारी अपने तक ही सीमित रखें, अपने पास ही रखें. बी अलर्ट, सतर्क रहें, अलर्ट, सतर्क रहें, एंड डू नॉट क्लिक ऑन मिस्टीरियस लिंक्स. और जो भी मैसेजेस के थ्रू हमको लिंक्स दिए जाते हैं जिनका हमको पता ही नहीं है कि किसने भेजा है, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है, इस टाइप के जो रहस्यमय लिंक्स हैं उन पर कभी भी क्लिक ना करें. दे मे बी स्कैम्स, हो सकता है वो घोटाले हों, स्कैम्स, घोटाले हों. इन एडिशन, इसके अलावा, किड्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ वॉट इज रॉन्ग एंड राइट. जो बच्चे हैं, शुड बी मेड अवेयर, अवेयर मीन्स अवगत कराया जाना चाहिए, मेड अवेयर कराया जाना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको अवगत कराया जाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है उनके लिए. ये बार बार बताने से ही उनके दिमाग में बैठेगा, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अभी छोटे हैं और अपने निर्णय
खुद नहीं ले सकते, उनको पता भी नहीं होता कि ये सब क्या सही है क्या गलत है, इसलिए बार बार उनको ये बताते रहना चाहिए। इन कंक्लूजन, अब हमने जितना भी पढ़ा है अगर उसका निष्कर्ष निकाला जाए तो ये एक पैराग्राफ में हम बता सकते हैं, अवेयरनेस इज द की टू प्रिवेंट ऑनलाइन हरासमेंट। हरासमेंट, अवेयरनेस, जागरूकता ही एक ऐसी कुंजी है, की है टू प्रिवेंट, रोकने की ऑनलाइन हरासमेंट। जो हम ऑनलाइन उत्पीड़न सह रहे हैं, परेशानी सह रहे हैं, तो उसके प्रति अगर हम जागरूक रहेंगे कि कैसे बचा जा सके, वही एक कुंजी है जिससे कि हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं साइबर बुलिंग की। वी शुड मेक द चिल्ड्रन अवेयर फ्रॉम एन अर्ली एज सो दे आर ऑलवेज कॉशियस, कॉशियस, सतर्क, ऑलवेज हमेशा, अर्ली एज कम उम्र से ही। तो हमको जो है बच्चों को अवगत कराना है, बताते रहना है कम उम्र से ही, सो दैट, ताकि वो लोग रहें हमेशा सतर्क। क्योंकि अब छोटी ही उम्र से बच्चे जो है ऑनलाइन फील्ड में जाने लग गए हैं, तो इसलिए उनको कम उम्र से ही बताते रहना बहुत जरूरी है। मोर ओवर, पेरेंट्स मस्ट मॉनिटर देयर चिल्ड्रंस ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड लिमिट देयर यूसेज। तो इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनको मॉनिटर करना है, उनको नजर रखनी है देयर चिल्ड्रंस, अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज, ऑनलाइन गतिविधियों पर पेरेंट्स को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी है, मॉनिटर करना है, एंड लिमिट देयर यूसेज। और जो भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसको लिमिट करना है यूसेज, मतलब उसका उपयोग कम से कम सीमित समय तक हो, ये उनको ही ध्यान रखना है, पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे जरूरी क्या है, साइबर बुलिंग मस्ट बी रिपोर्टेड इंस्टेंटली विदाउट डिले। तो अगर कोई बुली हो रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, बहुत जरूरी है इसको रिपोर्ट करना। यहाँ पे रिपोर्ट करना का मतलब है कि दूसरे लोगों को भी पता लगे, तो अपनी ये जो अपने आप सहना नहीं है, इसको चुपचाप सहना नहीं है, अपने फ्रेंड से शेयर कर लो, पेरेंट्स से शेयर कर लो, टीचर्स, रिश्तेदार, जिससे भी कोई कंफर्टेबल है, बातचीत आराम से कर सकता है, तो उसके साथ जरूर उसको सूचना को शेयर करो, और वो भी इंस्टेंटली, तुरंत, विदाउट डिले, बिना देरी के। क्योंकि ये सोचने की बात है इससे गलत प्रभाव भी पड़ सकते हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। दिस कैन प्रिवेंट फर्दर इंसिडेंट्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वो रोक सकता है, क्योंकि जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ कदम अवश्य ही उठाए जाएंगे। बड़े लोगों को पता होता है कैसे हैंडल करना है चीजों को, तो अगर हम टाइम पे ये पता लग जाएगा तो दिस कैन प्रिवेंट फर्दर इंसिडेंट्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस। तो इसी तरीके से इंसिडेंट मतलब ये जो घटनाएं हैं फर्दर आगे टेकिंग प्लेस होने से, तो ये रोक सकता है इसी तरीके की घटनाएं आगे होने से, आगे घटित होने से रोक सकता है टाइम पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपने इससे जानकारी हासिल करी होगी, एक तो टॉपिक के बारे में, साथ ही इतने अच्छे वर्ड मीनिंग हमने सीखे हैं, नए नए वर्ड्स। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।